नमस्कार, मैं शिखर देवांगन। रायपुर दक्षिण वो सीट जो हमेशा से हाई प्रोफाइल रही है और इस बार इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल विधायक पद से इस्तीफा देकर सांसद बन गए हैं और सांसद बनने के बाद से ये सीट अब खाली है और ऐसे में यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। 13 तारीख को मतदान होगा और मतदान से पहले बहस भी गर्म है क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव है और उपचुनाव में दोनों ही ओर से प्रत्याशी निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी से जहां सुनील सोनी मैदान पर हैं तो वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे आकाश शर्मा को मैदान पर उतारा है। प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इस प्रचार के बीच गहमा गहमी भी लगातार देखने को मिल रही है और इस बहस गर्म में हम बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से चर्चा करेंगे कि रायपुर दक्षिण में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे और बात की शुरुआत जो है बीजेपी से पहले करते हैं क्योंकि 34 साल से बीजेपी का गढ़ रायपुर दक्षिण रहा है और इस बार क्या स्थिति है ये जानते हैं। तौकीर रजा जी हैं, कांग्रेस बीजेपी के सीनियर लीडर में से एक माने जाते हैं। 34 साल से रायपुर दक्षिण बीजेपी का गढ़, इस बार इस गढ़ को बचाने की किस तरह कवायद है? बचाने की ऐसा है कि बचाना क्या बचाए, वो अपने आप को जो हमेशा हारते रहे। हम तो पूर्ण बहुमत के साथ बहुत ही अच्छे प्रचंड बहुमत से माननीय सुनील सोनी जीत रहे हैं और उसका नेतृत्व माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं और कांग्रेस के जो है नेता वो आप जानते हैं किस प्रकार से आपके वार्ड में घूम रहे हैं और जनता भी जानती किस प्रकार से वो बाहर के हैं और हमेशा प्रत्याशी बदलते रही है क्योंकि उनके पास दूसरी बार रिपीट करने के लिए भी प्रत्याशी नहीं रहता। जब बुरी तरह हारता है तो वो खुद ही अपनी हिम्मत गंवा बैठता है। भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है, अभेद गढ़ है, इसे जो भेदना बहुत आसान नहीं है और माननीय सुनील सोनी जी सांसद भी रहे हैं, उन्होंने अपने सांसद के समय में कई करोड़ों काम करे हैं और उसके पहले ये महापौर भी रहे, महापौर रहते भी चाहे वो व्हाइट हाउस हो, चाहे वो इंडोर स्टेडियम हो, चाहे वो गौरवपथ हो, ये सब उनकी देन रही है और उन्हें सरल सहज व्यवहार के नाम से आज जो है पब्लिक जानती है। इसी कारण से जो है आज पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 34 साल से बृजमोहन अग्रवाल जी इस सीट पर रहे हैं लेकिन इस बार उपचुनाव है, सुनील सोनी एक चेहरा है, क्या मुद्दा है अब इस बार चुनावी मैदान? देखिए, सुनील सोनी जी एक नया चेहरा नहीं है, महापौर रहे हैं, सभापति जी रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं। महापौर के कार्यकाल पे व्हाइट हाउस बनाए सुनील सोनी जी का कार्यकाल था, विवेकानंद सरोवर जो आज भारत की सबसे बड़ी हमारे पहचान बन गई है और उस स्थिति को देखते हुए अभी जो कार्य है यह सुनील सोनी जी है। हम ये बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी दोनों में किसी में कोई भी कार्यकर्ता में कोई भेद नहीं है, हम जीतेंगे और जीतते रहेंगे, आगे भी जीतेंगे और हमारा कार्यकाल विकास का कार्यकाल रहा है, कार्यकर्ताओं का कार्यकाल रहा है और विकास के लिए ही हम काम करेंगे। बिल्कुल, विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस से भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। युवा चेहरा है और आप भी युवा नेता हैं, मुद्दा क्या है इस बार? देखिए, ये चुनाव जो है ना तो प्रधानमंत्री चुनने का है ना ही मुख्यमंत्री चुनने का है, ये चुनाव जो है दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव है और ये दक्षिण विधानसभा की जनता के ऊपर थोपा गया चुनाव है। बृजमोहन अग्रवाल विधायक थे लेकिन इनकी आपसी लड़ाई के चलते उनको सांसद भेज दिया गया और सांसद थे सुनील सोनी, उसको विधायक का प्रत्याशी बनाया गया है। 10 महीने की सरकार में पुनः यहाँ पे दक्षिण विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। आप जान सकते हैं कि 10 महीने की इनकी सरकार में किस प्रकार जो अपराध का गढ़ राजधानी रायपुर बना हुआ है, आए दिन हत्याएं होती थी, अभी लगातार त्योहार के समय 4 दिनों में 9 हत्याएं हुई है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमारे बीच में एक तरफ निष्क्रिय सुनील सोनी हैं जो 5 साल के सांसद रहे हैं, उसके 2 बार महापौर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उसकी निष्क्रियता भली भांति प्रदेश की जनता जानती है। मैं पुरानी बस्ती वार्ड की बात करूँ तो पुरानी बस्ती वार्ड का महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड है, एक नाम पट्टी का दिखा दे सुनील सोनी अपने महापौर और अपने 5 करोड़ जो सालाना उनको मिलता था, एक नाम पट्टी का दिखा दे, मैं
इनको भाजपा के हमारे जो साथी जो कह रहे थे कि करोड़ों का विकास किया है, मैं उनको चैलेंज देता हूं कि इस वार्ड में एक नाम पट्टी का सुनील सोनी के सांसद निधि का दिखा दे। दूसरी ओर हमारे युवा साथी आकाश शर्मा जी लगातार जो युवाओं की आवाज बनते रहे हैं और प्रदेश में आउटसोर्सिंग का मुद्दा जो 2018 के पूर्व में रहा है उस मुद्दे को लड़ाई को जो अगर आउटसोर्सिंग का किसी को उठाया है तो वो आकाश शर्मा ने। ऐसे आकाश शर्मा को पुरानी बस्ती और दक्षिण विधान की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी और ये चुनाव जो है निष्क्रिय सुनील सोनी वर्सेस युवा आकाश शर्मा का चुनाव है। युवा आकाश शर्मा है, प्रचार भी जमकर किया जा रहा है, कई मुद्दे उठ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आकाश शर्मा पहुंच रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे भाजपा की जीत होती थी, लेकिन आज जब हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ लोकल लोग हैं, हम लोग यहाँ के मतदाता हैं, मैं इस वार्ड का मतदाता हूँ, तो साफ तौर पे दिख रहा है बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव करना है, बदलाव करना है। ये बदलाव युवाओं की बदलाव है, यह आवाज जो है युवा की आवाज है और दक्षिण विधानसभा की जनता की आवाज है। लगातार आप कहीं पे भी घूमेंगे, आप आज निकले, आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी गली पे भी जाइए, भाजपा का भी व्यक्ति हम लोग से मिल रहा है और बोल रहा है कि इस बार बदलाव करना है और आकाश शर्मा को जिताना है। सुनील सोनी की बात करेंगे तो सुनील सोनी निष्क्रिय है। हम लोग देखे महापौर है, बताते हैं महापौर में भी कोई काम नहीं किया। 5 साल सांसद थे, सांसद के रूप में उन्होंने क्या काम किया कोई बता दीजिए। देखिए, बोलने से नहीं होता, बताना पड़ता है, कोई सबूत देना पड़ता है, कोई सबूत नहीं है। फोटो चला रहे, पुरानी 25 साल पुरानी फोटो चला रहे, आज की फोटो लाइए, आज के काम को बताइए, कोई काम नहीं है। युवा और यहाँ की माताएं बहनें जो हैं वो चाहती है कि हमको कांग्रेस को लाना है विधानसभा में, आकाश शर्मा और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिताना है, भ्रांतियां फैलाना इसका काम है। भाई, हमने भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। विगत 15 साल, 5 साल पहले हमारी सरकार थी, 15 साल हमने विकास किया। कोई भी ऐसा दिखा दीजिए, हर क्षेत्र में विकास किए, रोड बनाए। वैसे महापौर कार्यकाल में हमारे सुनील सोनी जी थे, विवेकानंद सरोवर में जो मूर्ति बना हमारे आदरणीय मतलब विवेकानंद जी का, उसका मूर्ति काल उसी के कार्यकाल में हुआ। विकास हमने किया है और विकास करके हमने दिखाया इन 15 सालों में। नहीं, मूर्ति बनाना विकास नहीं है, उस आदर्श है, ठीक है, वो हमारे आदर्श है, आदर्श के नाम से हमने किया है। आप लोगों ने 70 साल तक आपने राज किया, 70 साल तक आपने राज किया, ऐसा कोई चीज बताइए, ऐसा कोई कि रायपुर छत्तीसगढ़ के राजधानी में ऐसा कोई काम बताइए जिसने किया हो। ऐसा 70 सालों में, 2 मिनट, 70 सालों में कांग्रेस ने पूरे देश में राज किया, इस राज्य में इसने ऐसा क्या काम किया? इस रायपुर शहर के लिए कोई विशेष काम किया क्या इन 70 सालों में? 15 सालों में हमने काम किए, 15 साल कांग्रेस के लोग सुनील सोनी को निष्क्रिय बता रहे हैं, युवा चेहरे को मौका देने की बात कह रहे हैं। ये एक साथ आज की तारीख में बोल रहे, विवेकानंद सरोवर और दानी स्कूल के जो मार्ग थे, स्मार्ट सिटी के नाम से एक खेल मैदान था और करोड़ों का घोटाला किए, वो जो एक सरोवर था, है ना, वो ये 5 साल विगत पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार ने किया, ठीक है। और विकास की बात वो करते हैं जिन्होंने घोटाला किया है। हम तो रायपुर शहर को ऐसी चीज, ये बूढ़ा तालाब में घोटाले की बात कह रहे हैं, बूढ़ा तालाब में घोटाले की बात। देखिए, अभी केंद्र और राज्य में दोनों में इनकी सरकार है और इस चुनाव से भी सरकार नहीं बदलने वाली। जांच करवाइए, अभी के अभी अंदर करवाइए। और ये जो 5 साल की बात कर रहे हैं ना, मैं इस विधानसभा ने, इस पूरे लोकसभा में ना, सुनील सोनी जी ने 5 साल में कुछ नहीं किया है। भैया ने कहा कि एक शिलान्यास इस बात का दिखाइए, मैं तो पूरे विधानसभा और पूरे लोकसभा की बात कर रहा हूँ। सुनील सोनी जी पूरे निष्क्रिय है। ये जितने सम्मानित हमारे बड़े भैया पता खड़े हैं ना, ये खुद दिल से नहीं चाहते सुनील सोनी जी जीते, दिल से नहीं चाहते हैं सुनील सोनी जीते, दिल से नहीं चाहते हैं सुनील जी। हेलो, बिल्कुल चाहते हैं कांग्रेस के लोग, दिल से नहीं चाहते सुनील सोनी जी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की रीति नीति रही है दुष्प्रचार करना, एक नैरेटिव सेट करना। देखिए, अगर एक बात करें तो 119 करोड़ रुपए अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए फ्लाईओवर के लिए लाया, टाटी बन के लिए, तो किसने लाया? सुनील सोनी जी लाया, सांसद रहते हुए लाया। अगर 365 परियोजना स्मार्ट सिटी के बदौलत अगर किसी ने लाया,
753 करोड़ रुपए अगर लाया तो माननीय सनी सोनी जी ने लाया, ये उपलब्धि है। ये चिल्लाते रहे, देखिए ऐसा है, हाथी चलते हैं और भोक्ता कौन है दुनिया जानती है, तो हाथी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। आप कुछ भी बोलते रहे, भ्रष्टाचारी रहे, 5 साल इन्होंने भ्रष्टाचार किया, छत्तीसगढ़ को आपने पूरा कंगाल करके छोड़ दिया और आज जो है भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाई है। आप बताइए टाटीबंध का फ्लाई ओवर का 119 करोड़ किसने दिया, 365 स्मार्ट योजना के तहत 757 करोड़ किसने दिया, माननीय सांसद कह रहे थे इन्होंने लाया। तो आप बात करिए, विकास की बात करिए, बोलते कुछ नहीं कर रहा है। आपने बताया रायपुर से बल्लभगढ़ राजमार्ग का पैसा किसने लाया, माननीय सुनील सोनी जी लाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, अपने जेब भरे, इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। 36 योजना का बात किए थे, एक योजना बताइए ग्राउंड मिनिस्टर पर इन्होंने पहुंचाया। तो आपने, अरे भ्रष्टाचारियों से बात करने से कोई मतलब नहीं है, अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये दिखता है कि ये स्थिति है, यही ये महापौर ने एक्सेप्ट किया है कि महापौर के रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ है, इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति। दक्षिण में उपचुनाव है और दक्षिण में जब उपचुनाव है, युवा के साथ साथ सुनील सोनी कांग्रेस के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, क्या लग रहा है कि आकाश शर्मा सुनील सोनी से बेहतर क्यों है? देखिए, आकाश शर्मा सुनील सोनी से इसलिए बेहतर है, सुनील सोनी का जो शासन काल था, महापौर का हो कि सांसद का हो, एक भी कार्य उनकी उपलब्धि नहीं है। सांसद का जो सांसद निधि होता था 500 करोड़, वो भी वो खर्च नहीं कर पाए। उसके बाद में आज युवाओं से हमको अपेक्षा है कि जो यहाँ पे अपराध गड़बड़ गया है छत्तीसगढ़, 10 महीने की सरकार में अपराध गड़बड़ गया है छत्तीसगढ़, और 40 साल के पहले उपलब्धि बताएं लोग, बताए ब्रजमोहन जी क्या किए 40 साल दक्षिण विधानसभा में, कौन सा स्कूल खोले हैं, कौन सा मेडिकल कॉलेज खोले, क्या खोले हैं। इसलिए हमको अपेक्षा है, युवा से अपेक्षा है, युवा ही जीतेगा, आकाश शर्मा ही जीतेगा। बिल्कुल, बहस गर्म है और बहस इसलिए गर्म है क्योंकि रायपुर दक्षिण में उपचुनाव है, दक्षिण में उपचुनाव है, सुनील सोनी मैदान पर है, लोग कह रहे हैं कि सुनील सोनी निष्क्रिय है, क्या निष्क्रिय है? सुनील सोनी ईमानदार है, सुनील सोनी सक्रिय व्यक्ति है, बल्कि आकाश शर्मा घोटालेबाज है। कांग्रेस की सरकार रहते हुए करोड़ों रुपए का अगर कोई घोटाला किया है, उनके ऊपर जांच हो रही है सोलर सिस्टम में। आकाश शर्मा पूर्णतः घोटालेबाज है और सुनील सोनी ईमानदार है। सुनील सोनी चुनाव जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 34 साल तक ब्रजमोहन जी रहे हैं, लेकिन आज भी जो दक्षिण का क्षेत्र है पहली बारिश में डूब जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पानी से डूबता है? प्रोफेसर काली जो एरिया है स्मार्ट सिटी में सही कर दिया। प्रोफेसर काली में जाके देखिए, आप जाके देखिए प्रोफेसर काली आज की स्थिति में, ये प्रोफेसर काली में रहता है, आज की तारीख में पानी होता, इन लोगों ने 70 साल राज किया, उस जगह में क्या विकास किया, क्या प्रयास किया, उसने क्या विकास किया, एक भी ऐसा काम बता दीजिए इन 70 सालों में जो काम किया हो। 15 साल में हम लोगों ने जो काम किया, महिलाओं से पूछे, 15 साल में हमने काम किया है, एक एक देश की जनता, एक एक इस छत्तीसगढ़ की जनता और दक्षिण विधानसभा के जनता ने देखा। हम लोगों ने पूरे नगर में पूरे तालाबों का सौंदर्यीकरण किया है, आपने इन 5 सालों में क्या किया है, कोई ऐसा काम बता दीजिए इन 5 सालों में। आप भूपेश सरकार के रहते इस रायपुर राजधानी में 1 करोड़ का भी, रायपुर राजधानी में 1 करोड़ का भी काम किया, अगर इन लोगों ने शिलान्यास किया होगा तो आप बता दीजिए। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद 10 महीने में चाकूपुर बना दिया है, क्या ये कितना सही मानते हैं इसे? 100% गलत मानते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आंख बंद करके अगर बात करेंगे तो स्वीकृत तो होगी नहीं बातें। अब ये तो आरोप लगाया जा रहा है लेकिन ये बात एकदम गलत है, और हर कोई जानता है कि सिर्फ बीजेपी के राज में आज इतना परिवर्तन हुआ है। आज जो हम घर से बाहर निकले हैं इसके लिए आप आधी रात में बोलेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित मानते, वो भी सिर्फ बीजेपी के राज में।
कांग्रेस के राज में इतना डर था, आज नहीं बहुत समय से, जब से कांग्रेस चली है तब से डर और दहशत में जिए हैं। कितना कह लो, बात मानने लायक है ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दा। ये मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे? दक्षिण का उपचुनाव है, बृजमोहन अग्रवाल 34 साल से रहे, सुनील सोनी मैदान पे, मुद्दा क्या है आखिर? मुद्दा किन मुद्दों को लेकर जा रही है? परिवर्तन किए हैं, विकास का मुद्दा है, बहुत विकास किए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और कांग्रेस वाले लोग। 70 साल में कुछ नहीं कर पाए, पर बीजेपी वाले उन लोग करके दिखा दिए। वो लोग खाली ना अपना जेब भरे हैं, जेब। आज एक एक महिलाओं से पूछिए, आज ये विकास की बात कही जा रही है। 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ, ये बात कही जा रही। 34 साल तक बृजमोहन अग्रवाल जी रहे। अगर विकास नहीं होता, अगर विकास नहीं होता 70 साल में, तो ये यहाँ खड़े नहीं होते। इनसे पूछिए किसने बनाए स्कूल पढ़े, इनसे पूछिए किस हॉस्पिटल में पैदा हुए, इनसे पूछिए कि इनके घर वाले कौन से संस्थान में काम करते थे। अगर सर पढ़े हैं, इसको क्या बोला, हाथी बड़ा बोला जाता था, इसको हाथी बड़ा बोला जाता था। 70 सालों में इसकी विकास ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इस स्कूल का, इस स्कूल का बता रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1,19,00,000 रुपए देकर इस स्कूल का बनाया। ये अस्पताल देख रहे हैं आप, ये हमारा अस्पताल, हमारा अस्पताल जो भूपेश बघेल की योजना थी, हमारा अस्पताल। ये गार्डन देख रहे हैं, ये गार्डन में 20 लाख रुपए का विकास हमारी कांग्रेस की सरकार ने कराया। और रही बात अपराध की, तो आप देख सकते हैं गोलियां कैसे ठाए ठाए चल रही है, ठाए ठाए गोली चल रही है, ठाए ठाए गोली चल रही है। आखिर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, बृजमोहन अग्रवाल ने कुछ नहीं किया, 34 साल तक वो विधायक कैसे बनते रहे? हमारी आज तक हमारे यहाँ क्षेत्र में क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पर बृजमोहन अग्रवाल को मदद की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप विकास के दायरे के लिए, विकास के नाम में जीरो है, और इसीलिए अगर वो विकास किए होते, अगर वो विकास किए होते तो उनको सांसद भवन नहीं भेजते, उनका डिमोशन किया गया है, और उनको डिमोशन करके यहाँ पे सुनील सोनी, निष्क्रिय सुनील सोनी को यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा है। साथ में घूम रहा है क्योंकि बृजमोहन जी की कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए क्या साथ में लेके उनका पोल मत खुले, इसीलिए साथ में लेके घूम रहे हैं। सच यही है, और हमारा युवा साथी ही जीतेगा। कितना विकास हुआ, विकास कैसे हुआ, और दक्षिण में मुद्दा क्या है, ये बहस गर्म है, और गर्म इसलिए भी है क्योंकि कानून व्यवस्था का भी मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार दक्षिण में। अरे भैया, दक्षिण में हमको सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा है, सबसे बड़ा पुरानी बस्ती से लाखे नगर, वो लाइफ लाइन वाली सड़क का नहीं हुआ, कहाँ हुआ है दिखाइए, ये बाजू में सड़क है दिखा दीजिए, पुरानी बस्ती से लाखे नगर, बुढ़ेश्वर चौक से लाखे नगर, आज तक चौड़ा नहीं हो पाया, पूरे शहर का विकास हो गया, शारदा चौक कहता 12 करोड़ चौड़ा कर नहीं रहे इनकी सरकार। मुद्दा क्या है, 13 तारीख को मतदान है, मुद्दा क्या है इस बार? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितना विकास हुआ है उतना विकास कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ है। अभी विकास 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 बहुत हुआ है, विकास 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 बहुत हुआ है, आपकी नजर में देखा जाए विकास बहुत हुआ है, लेकिन जनता के बीच इस बार किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? विकास की जानकारी आपको दे रहे हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बंसी कन्नौजे जी बोले कि दक्षिण विधानसभा में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है, आज बृजमोहन अग्रवाल जी के पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक सामुदायिक भवन रोड रास्ता नाली पानी ऐसा क्या कार्य नहीं हुआ है, जो मतलब ये बता दे कांग्रेस जी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या काम नहीं हुआ है, अमृत मिशन की पानी नाल मुद्दे की बात हो रही है। यूथ है, आप भी यूथ हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में आकाश शर्मा चुनावी मैदान पर है, एक नया चेहरा है, क्या मुद्दा होना चाहिए?
रायपुर में जब से बीजेपी की सरकार वापस आई है तब से क्राइम बढ़ते जा रही है। अभी आप देखिए रेप के केस कितने बढ़ते जा रहे हैं। ये बोलते हैं महिला सुरक्षा की, इनके महिलाओं को शर्म आना चाहिए, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जब बात आती है तो आप मोदी मोदी चिल्लाना शुरू करने लगे। दक्षिण के माहौल में युवाओं को भी लगातार मौके दिए जा रहे हैं और मौके इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि बात जो है वो की जा रही है और बात भी जब हो रही है तो क्या बोल रहे हैं, क्राइम हो रहा है। कांग्रेसी बोल रहे हैं कार्य हो का, क्या बोल रहे हैं, क्राइम हो रहा है। कांग्रेसी खुद का क्राइम में फंसे हुए हैं। अच्छा आप सबूत दिखाओ, आपके पुलिस ने 60 दिन हो गए हत्या का अंदर हुआ रेप हो रहा है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपके पुलिस दक्षिण की बात कर रहा है, रायपुर दक्षिण में महिलाओं की अपराध हो रहा है उसको कौन रोकेगा? रायपुर दक्षिण की बात, एक चीज बताइए, युवक कांग्रेस का जिला का अध्यक्ष जो एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी और बेटी की हत्या करते थे उसमें पूरे युवक कांग्रेस के लोग थे। रामपुर में जो घटना हुआ उसमें कौन था उसमें था? इनके पदाधिकारी राधिका खेड़ा क्या शोषण करते हैं, इनके खुद के नेता अपनी नेता को शोषण करते हैं। सोनिया गांधी के जैसा पिया उनका। दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव है और दक्षिण विधानसभा सीट पर दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लगातार चुनावी मैदान पर प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो प्रत्याशी हैं मैदान पर उतर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इस बीच जो मुद्दा है वो लगातार निकलकर सामने आ रहा है और बहस गरम में लगातार बहस होती रहेगी और इस बहस के बीच आखिर रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल लगातार बहस गरम में आखिर चुनावी जो विधानसभा सीट है उन सीटों पर किस तरह के रुझान है वो आप तक बता रहे हैं। आगे भी और विधानसभा सीटों का की जानकारी पूरी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़।